गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम कक्षा 10 गणित जो हमारा प्रायिकता चैप्टर चल रहा है उसके क्वेश्चन 8 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज इसके 3 क्वेश्चन बचे हैं, 9, 10 और 11 इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और आपको अपनी अपनी नोटबुक में डेली का काम डेली करते जाना है। इसके साथ इसके रिलेटिव एग्जाम्पल और आपको एक और काम बताया था, विविध प्रश्नावली भी करनी है, ऐसा कोई क्वेश्चन ना रहे जो छूट जाए। क्वेश्चन नंबर 9, एक थैले में 5 लाल और 3 सफेद गेंद है। एक कोई थैला है उसमें 5 लाल गेंद डाल दी गई है, 3 सफेद गेंद। इस थैले में एक गेंद को यादृच्छिक निकाली जाती है यानी बिना देखा निकाली जाती है, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि गेंद सफेद हो सफेद नहीं हो। दो पार्ट पूछे इसके अंदर। सबसे पहले लिखते हैं 5 लाल और 3 सफेद। पहला पार्ट क्या पूछ रहा है, सफेद गेंद सफेद हो। पहले पहला पार्ट करते हैं, दूसरे में है सफेद नहीं हो। सबसे पहले इसके जो कुल संभव परिणाम देखेंगे, कितने हो जाएंगे, 5 जितनी टोटल गेंदे हैं लाल सफेद और हो तो वो भी जोड़ दो। 5 लाल है 3 सफेद है, 5 + 3 कितना, 8 संभव परिणाम होंगे। अब बात करते हैं अनुकूल परिणाम की। अनुकूल परिणाम में क्या आएगा, क्या पूछा है, सफेद गेंद, सफेद गेंद कितनी है तो 3, अनुकूल परिणाम 3 आएगा, संभव परिणाम 8। अगर लाल गेंद के लिए पूछे तो अनुकूल परिणाम कितना आएगा, 5। अब करते हैं प्रायिकता। क्या होता है, अनुकूल परिणाम बटे संभव परिणाम, अनुकूल परिणाम कितने हैं, 3 है, संभव परिणाम 8, कट नहीं रहा तो यही आपका आंसर है 3/8। अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या पूछा है देखते हैं, ये पूछा है गेंद सफेद नहीं है, इसका सेकंड पार्ट में ये पूछा है गेंद सफेद सफेद नहीं है तो इसका मतलब लाल के लिए पूछा है, गेंद सफेद नहीं हो। कितनी गेंद सफेद सफेद नहीं है, 3 सफेद है बाकी सफेद नहीं है, कितनी, 5। तो इसका संभव सॉरी जो संभव परिणाम होगा वो तो सेम ही होगा, 5 + 3 = 8 है टोटल, तो कितना हो जाएगा, 8। अनुकूल परिणाम में इसने पूछा है गेंद सफेद नहीं हो, कितनी नहीं है, 3 है टोटल, और 8 में से 3 जाएंगे, 5 नहीं है। प्रायिकता वही अनुकूल परिणाम बटे संभव परिणाम, अनुकूल परिणाम कितना है इसका, 5 और संभव परिणाम 8, ये आपका आंसर है। या उसको आप एक में से घटा सकते हो, 1 - जो आया था सफेद गेंद के लिए 3/8, 1 - 3/8 करोगे तो 5/8 ही आ जाएगा, सेम ही
दो टाइप से कर सकते हो, ये थोड़ा आसान रहेगा। थोड़ा क्वेश्चन को ढंग से समझना होता है, बाकी कुछ नहीं होता इन सवालों में। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेन मिल गए हैं। 12 खराब पेन है, 132 अच्छे पेन है, वो आपस में मिल गए हैं। केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि कौन कोई पेन खराब है या अच्छा है। ऊपर से देख के ये नहीं पता चलता कौन सा पेन खराब है कौन सा अच्छा है। यदि एक पेन यादृच्छिक चुना जाता है, बिना देखा चुना जाता है, तो इसके अच्छे होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। अच्छे पेन कितने हैं उसकी प्रायिकता निकालनी है। संभव परिणाम कितने हो जाएंगे ऊपर लिख लेते हैं। 12 खराब पेन है, 132 अच्छे पेन है, संभव परिणाम कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ना पड़ेगा। 12 प्लस 132 कितना हो गया, 144, 144। अब करते हैं इसका अनुकूल परिणाम। अच्छे पेन होने का अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा, कितने अच्छे पेन है, 132। प्रायिकता क्या हो जाएगी, अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने आए हैं, 132 अच्छे पेन, 132 है। कुल संभव परिणाम 144। काटो इनको, कितने पे कटेगा, 12 पे कटेगा। 12 × 11 = 132, 12 × 11 = 144 क्या आ गया, 11/12 आपका आंसर। अब करेंगे इसका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। बावन पत्तों की अच्छे प्रकार से फेटी गई एक गट्टी में से एक पत्ता निकाला जाता है। हमारे ताश में कितने पत्ते होते हैं, जो ताश की गट्टी होती है उसमें 52 पत्ते होते हैं, यानी अच्छी तरह से फेटी गई उस गट्टी में से एक पत्ता निकाला जाता है। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अलग अलग पांच पार्ट है, पांचों की प्रायिकता ज्ञात करनी है। इससे पहले कुछ बच्चों को तो ताश के बारे में नॉलेज है, कुछ बच्चों को और बता देते हैं, इसके बगैर ये क्वेश्चन हल नहीं हो गए। जो मैं बढ़ा रहा हूं अपनी कॉपी में उतार लेना, लास्ट तक काम आएंगे, और ये याद कर लेना और थोड़ा ध्यान से देख लेना, या समझ जाओगे। सबसे पहले आपको पता है ताश में कुल 52 पत्ते होते हैं, जो ताश की गट्टी होती है उसमें 52 पत्ते होते हैं, उसमें से तेरह पत्ते पान के होते हैं,
13 पत्ते ईंट के होते हैं, 13 पत्ते उक्कम के होते हैं, 13 पत्ते चीड़ी के होते हैं। 13-13 पत्ते होते हैं चारों के। इनका कलर होता है लाल। ईंट का कलर भी लाल होता है, इनका काला होता है, उक्कम का काला होता है और चिड़ी का भी काला। ऐसे पूछ लिया जाए पान के कितने पत्ते होते हैं, 13 ईंट के, 13 उक्कम के, 13 चिड़ी के, 13। और ये पूछ लिया जाए पान के लाल पत्ते कितने होते हैं, 13। टोटल लाल पत्ते पूछ लिया जाए तो 13 पान के और 13 ईंट के कितने हो गए, 26। टोटल काले पत्तों की प्रायिकता पूछे, 13 उक्कम के और 13 चीड़ी के। इसके बाद 1 से लेकर 13 तक होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 10 के बाद क्या आता है, गुलाम, जो पिक्चर बनी होती है ताश के पत्तों पर। 3 पत्ते होते हैं, अरेक के, पान के, ईंट के, उक्कम के। इसके बाद आती है बेगम, इसके बाद बादशाह, यही सेम होता है सभी में। याद रखना है, अपनी नोटबुक में उतारना है। 1 से 13 तक होते हैं, 1, 2, 3 ये इक्का होता है सभी में, पान का इक्का, ईंट का इक्का, उक्कम का इक्का, चिड़ी का इक्का, यानी इक्के ताश में कितने हो गए, 4। अगर टोटल इक्के पूछे तो 4 आएगा। अगर किसी कलर का नाम लेके पूछे तो 2 होते हैं, रेड कलर के 2 होते हैं और ब्लैक कलर के भी 2 होते हैं। अगर पान, ईंट, उक्कम, चिड़ी का नाम लेके पूछे तो 1-1 इक्का होता है। इसी प्रकार 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सेम होते हैं। फिर गुलाम की बात आती है, इसी प्रकार गुलाम होते हैं, इसी प्रकार बेगम, इसी प्रकार बादशाह। बस इससे फालतू कुछ नहीं पूछा जाता, ये लिखे लिखे साइड में क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10-11 का पहला पार्ट है, इसने पूछा है लाल रंग का गुलाम। सबसे पहले शंभो प्रणाम, अगर ताश का पत्ता है, ताश की गट्टी है तो 52 आएंगे सभी में। शंभो प्रणाम क्या हो जाएंगे, 52 ही लिखना है। अनुकूल प्रणाम क्वेश्चन के हिसाब से आएंगे, क्या पूछा है, क्या पूछा था, लाल रंग का गुलाम यहां लिखना है। कितने होते हैं लाल रंग के गुलाम ताश में, 2 होते हैं, ये
किसका होता है? पान का और एक ईंट का, यानी दो। तो अनुकूल परिणाम कितने आ जाएंगे लाल रंग के गुलाम के लिए? दो। प्रायिकता क्या हो जाएगी? अनुकूल परिणाम बटे संभव परिणाम। अरे क्वेश्चन में फॉर्मूला जरूर लिखना है। अनुकूल परिणाम कितने हैं? दो। संभव परिणाम 52। कट रहा है तो काटना है, दो एकम दो, 26 × 52 यानी 1/26 आपकी प्रायिकता आ जाएगी, ये आपका आंसर होगा। इसी प्रकार इसके नेक्स्ट पार्ट करते हैं। दूसरे पार्ट में क्या पूछा है? लाल रंग का पत्ता संभव परिणाम 52 आएंगे। लाल रंग के पत्ते कितने होते हैं ताश में? 13 पान के 13 ईंट के, यानी 26 आ जाएगा अनुकूल परिणाम। प्रायिकता क्या होती है? अनुकूल परिणाम बटे संभव परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने हैं? 26। संभव परिणाम कितने हैं? 52। 26 से कम 26, 26 × 52 1/2 आपका आंसर होगा। इसका करते हैं थर्ड पार्ट। क्या पूछा है इसमें देखते हैं। पान का इक्का पान के इक्के ताश में कितने होते हैं? एक होता है। अगर सीधा पूछा जाए इक्का तो चार होते हैं, पान ईंट उक्कम चिड़ी। अगर किसी का नाम लेके पूछा जाए पान ईंट इनमें से तो एक एक है। अगर रंग का नाम लेके पूछा जाए तो लाल रंग के पूछता तो दो होता, काले रंग के पूछता तो भी दो होता। संभव परिणाम ताश की गट्टी है तो 52 होंगे। अनुकूल परिणाम पान का इक्का पूछा है तो एक होगा। प्रायिकता क्या होती है? अनुकूल परिणाम बटे संभव परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने आएंगे? एक। संभव परिणाम 52। नहीं कट रहा तो यही आपका आंसर होगा। इसका करते हैं, ये थर्ड पार्ट था, फोर्थ पार्ट। ईंट की बेगम, चौथा पार्ट है। ईंट की बेगम ये याद होने के बाद आप सीधा ही कर सकते हो, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। संभव परिणाम 52 होंगे। अनुकूल परिणाम ईंट की बेगम कितनी होती है? एक होती है। अनुकूल परिणाम एक आएगा। प्रायिकता अनुकूल परिणाम बटे संभव परिणाम 1/52 आपका आंसर होगा। अब करते हैं इसका लास्ट एंड पांचवा पार्ट। क्या पूछा है?
उक्कम का पत्ता। उक्कम के पत्ते कितने होते हैं? 13 होते हैं। संभव परिणाम 52, उक्कम के पत्ते 13। प्रायिकता अनुकूल परिणाम बटे संभव परिणाम, अनुकूल परिणाम कितने हैं? 13। संभव परिणाम कितने हैं? 52। 13 एकम 13, 13 चौके 52, आपका आंसर आएगा 1/4। प्रायिकता होगी उक्कम के पत्ते की 1/4 होगी। चैप्टर नंबर 18 आज हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसको बढ़िया ढंग से आपको तैयार करना है, अपनी नोटबुक में उतारना है। इस चैप्टर में आपको कोई कमी ना रहे, पूरे एग्जाम्पल करने हैं, पूरा 18वां चैप्टर करना है, पूरी विविध प्रश्नावली करनी है, एक एक क्वेश्चन सोल्व करना है। अब आगे हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चौथा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। छोटा सा चैप्टर है, उसमें से 6 नंबर का आता है। बस आज ही के लिए इतना ही। धन्यवाद। शुभ दिन।